वही गोवर्धनपुरी के पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अध्यक्ष जानंद जी केदारनाथ धाम पर हो रही बयानबाजी से बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर केदारनाथ धाम में किसी भी प्रकार से गड़बड़ी या अनियमितताएं हुई तो उसके लिए संवैधानिक रास्ते अपनाए जा सकते हैं, जिसमें अदालतों कानूनी पीठ में जनहित याचिका लगाकर जांच कराए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ धाम सहित धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने में साधु संतों और सनातन धर्म से जुड़े लोगों को मीडिया के सम्मुख राजनीतिक बोली नहीं बोलनी चाहिए, इससे करोड़ों भक्तों और सनातन प्रेमियों को ठेस पहुंचती है। केदारनाथ बद्रीनाथ समिति एक जिम्मेदार समिति है जो चारों धाम यात्रा का विधिवत संचालन करती है और वहां के धर्मस्थलों का रख रखाव करती है। कतिपय कारणों से यदि वहां कुछ गड़बड़ी किसी भी कारण से किसी भी कार्य में किसी जिम्मेदार को नजर आती है तो उसके लिए अधिकृत संस्थाएं होती हैं जहां पर शिकायत की जा सकती है और जांच पड़ताल के लिए हमारे संवैधानिक तौर पर होते हैं, उनके दरवाजा हमेशा ही खुले रहते हैं। किसी श्रद्धालु को या किसी साधु संत को इस पर आपत्ति या शक है तो उसको प्रेस में शोर मचाने की बजाय जो संवैधानिक प्रक्रिया है गड़बड़ी को खुलासा करने के लिए वो रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इस समय मैंने बद्री केदार समिति के अध्यक्ष का बयान भी सुना है जो उन्होंने प्रेस को आज ही जारी किया और उन्होंने सारे तथ्य सामने रखे हैं और फिर भी उन्होंने ये कहा है, आरोप लगाने वाले को चुनौती दी है कि यदि उनके पास कुछ आधार है या तथ्य हैं तो अदालत में जाएं, जनहित याचिका लगाएं, जांच कराएं और इसमें बेवजह बात का पतंगड़ न बनाएं। ये बात मैं भी कहना चाहूँगा कि बद्रीनाथ केदारनाथ ये हमारे चारों धाम में एक प्रमुख तीर्थस्थल है, धर्मस्थान है, जिन्हें चारों धाम कहा जाता है और 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे ऊंचाई पर विराजमान केदारखंड में भगवान शिव केदारनाथ विराजमान है। वहाँ करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था है और उनको चाहने वाले पूछने वाले देश के कोने कोने में दुनिया के कोने कोने में निवास ताकि एक आवाज एक शब्द और एक चर्चा सुनकर लोग अपने आप को धन्य करते हैं। तो ऐसे महान पवित्रतम स्थान के लिए सिर्फ बातें करके और अफवाह उड़ा करके धर्मस्थल के बारे में इस तरह की बातें फैलाना ये अनुचित है। इससे श्रद्धालुओं की श्रद्धा को आघात लगता है और जिसने भी वहाँ सोना दिया है वो भावभक्ति से दिया है तो वो लोग ही मौजूद हैं तो जांच होगा, पानी दूध अलग अलग हो जाएगा। तो यदि कोई तथ्य है, अन्यथा ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए और खासकर साधु संतों को धीर गंभीर रहने की जरूरत है और आध्यात्मिक विस्तार और सनातन धर्म के प्रचार के लिए धर्म गुरुओं को साधु संतों को ध्यान देना चाहिए। राजनैतिक विषयों में टिप्पणी करना, अनावश्यक टिप्पणी करना और धर्मस्थलों के बारे में ऐसे बोलना ये गैर जिम्मेदाराना कार्य है और मैं रोकता हूँ कि ऐसे हरकत करने से अपने आप को और वही कार्य करें जिससे श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़े, सनातन धर्म का विस्तार हो, हमारे धर्मस्थलों का मान और सम्मान बढ़े।